वेलकम फ्रेंड, हमारा डॉक्टर एच श्रीनिवासन जी के साथ सोशल मीडिया के बारे में सीरीज चालू है और आज हम बात करने वाले हैं SEO। ये क्या होता है? ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो लेमन की टर्म में जो मैं समझता हूँ कि लोग सर्च इंजन पे, गूगल सर्च इंजन पे और दूसरे सर्च इंजन पे कुछ खोजते हैं। वो क्या खोजते हैं, वो हिसाब से अगर आपने अपना कंटेंट बनाया या आपने वो हिसाब से हैशटैग लगाए तो आप उसको पहले नजर आएंगे। तो इसका और डीपर में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है और धन्यवाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग। जी। हाँ जी, अच्छा कैन आई टॉक? कैन आई टॉक? यस यस थैंक यू जैन साहब। वंस अगेन वी आर ऑन टू डिजिटल मार्केटिंग एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। उसमें मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पावरफुल वर्ड जो है वो SEO, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या, व्हाट आर वी सर्चिंग एंड व्हाट आर वी ऑप्टिमाइजिंग एंड इंजन क्या चीज है वो हम देखेंगे। इंजन बोले तो ऐसा रेलगाड़ी का इंजन जैसा नहीं है, ये इंजन मैकेनिकल इंजन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। एंड दैट इट इज यूज टू सर्च फॉर वेरियस फाइल्स एंड वेरियस अदर अटैचेस व्हाटएवर ऑफ द फाइल अंडर स्टडी। वो उसको स्टडी करके देन यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट। यहाँ पे द ट्रिक लाइज इन ऑप्टिमाइजिंग। मतलब ऑप्टिमम बोला तो मैक्सिमम नहीं है और मिनिमम भी नहीं है, ये ऑप्टिमम का अर्थ है। मैक्सिमम नहीं है और मिनिमम नहीं है, जो सही है वही लेवल पे आपको वो इंजिन को फिक्स करता है। सो दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। SEO ऑनगोइंग, जो सुबह से लेकर के रात तक वो इंजन काम करता रहता है और उसके हिसाब से आपका सिग्नल अच्छी तरह से एनालाइज होता जाता है। और इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अवेलेबल ऑनलाइन। और यहाँ पे एक उसका उदाहरण दिया है उन्होंने, सर्च इंजन लैंड्स गाइड। वो गाइड से लेकर के आपको बहुत सारे एडवाइस मिलते हैं, कैसा क्या कम करना, ज्यादा करना वगैरह। एंड यू हैव टू हैव द करेक्ट नंबर ऑफ फाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू कैन हैव अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर बट दैट सॉफ्टवेयर अ वेरी गुड डाटा बेस दैट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। वो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है। नेक्स्ट स्लाइड। या थैंक यू। सर्च इंजिन्स प्रोवाइड रिजल्ट्स। सो व्हाट डू द सर्च इंजिन्स डू? दे प्रोवाइड रिजल्ट्स फॉर एनी सर्च। यू कैन लिटरली आस्क फॉर सर्च ऑन एनीथिंग एट ऑल। अभी अल्फांसो मैंगो का सीजन है, यू कैन ऑल्सो एस्क व्हाट अबाउट अल्फांसो मैंगो कॉस्ट इन मुंबई, एंड गिव यू अ गुड आंसर। एंड एक्चुअली दिस जॉब इज बीइंग एनहांस्ड और इवन टेकन ओवर बाय चैट GPT, जो करके लेटेस्ट जो है उसके थ्रू आपको सभी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल जाता है। कौन सा फिल्म स्टार ने किससे शादी किया है, किसने डिवोर्स लिया है, सब आता है। यू विल बी अमेज्ड बट दैट इज द पावर ऑफ द सर्च इंजिन। रिसर्च इंजिन्स नाउ आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हर एक कंपनी इसका ChatGPT का लेकर के इतना सारा डाटा कलेक्ट कर लेता है, वो डाटा से लेकर के उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। ऑफकोर्स वो तो चाहिए, बिजनेस के लिए ही हम करते हैं। एंड इसका दुरुपयोग भी होता है बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो जो अपना कमर्शियल जो है वो इसके इंजिन से बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ डाटा इम्प्रूव्स। ये एक्चुअली दिस सर्च इंजिन्स दे सर्वे सर्वे एंड अंडरस्टैंड। मतलब देखिए यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट आ गया है, ह्यूमन जैसा अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है ये यूजर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो अंडरस्टैंड करके, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या करना है, द एंटायर दुनिया भर के वर्ल्ड नेटवर्क जो है, नाउ देयर आर ट्रिलियंस ऑफ नेटवर्क्स इन वेबसाइट्स, एंड उन सबको एनालाइज करके डेटा देना है। इट इज अ मैमथ जॉब बट दैट इज पॉसिबल। ह्यूमन बींग्स कांट डू दैट, दैट हैज टू बी डन थ्रू सर्च इंजिन्स ओनली, एंड द वेबसाइट्स शुड ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड्स। अच्छा वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट इज पुअर देन योर सर्च रिजल्ट विल ऑल्सो बी पुअर। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज
These search engines run a sophisticated algorithm. Algorithm bole to ek step of action hai. Wo a series of steps of actions will continue to happen, or based on that, that particular search will decide what is relevant and what is not relevant, and only the relevant one will ones will pick up and pass it on to say ChatGPT or whatever. Of course, it's a highly advanced electronic, computer mechanisms. So I'm not a computer graduate, but broadly I can make out that things are getting more and more refined. अब सर्च पहले जैसा नहीं है, कल सर्च किया आज सर्च करते हैं तो अच्छी तरह से क्वालिटी का रिजल्ट डे बाय डे क्वालिटी बढ़ता जाता है, एंड उसके ऊपर से रिजल्ट्स बिजनेस बोलो या इवन अदर स्ट्रेटजीज बोलो, इवन आर्मी स्ट्रेटजीज, और एनी अदर थिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, इफ यू स्पेसिफाई इट विल डू इट फॉर यू. सो अंडरस्टैंड करके द वैस्ट नेटवर्क, इफ देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर नेटवर्क इज पुअर देन यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग वोंट हेल्प. ऐसा परीक्षा के लिए बैठता है, दिमाग ठीक नहीं है तो परीक्षा क्या. सो वी हैव टू प्रेजेंट टू द सर्च इंजिंस हाई क्वालिटी स्टफ. तो जो कोई भी इसमें इन्वेस्ट करेगा हाई क्वालिटी का आता है. इन दिस स्लाइड यू कैन सी एसईओ इज अ प्रैक्टिस ऑफ ओरिएंटिंग योर वेबसाइट. अभी वेबसाइट को तो फिजिकली वो फिरा नहीं सकता है, मगर उसको ओरिएंट करता है, उसको डायरेक्शन देता है टू रैंक हायर ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट. अभी जब हम सर्च करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी सर्च करने के लिए ऑर्डर देगा, सर्च कमांड देगा, तो जो कोई भी रिजल्ट आता है पहले पेज में आता है, एंड दैट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दैट सर्च. नाउ जितना हायर अप आपका डेटा प्रेजेंट होगा, आपका साइट का डिटेल्स प्रेजेंट होंगे, उतना क्वालिटी अच्छा रहेगा. एट एनी मोमेंट we can go to any website, to Google or something, and press search, आप ऑन करेंगे, ऑर्डर करेंगे, the number one top most mention of the thing will be the most powerful data. So SEO is orienting your website to rank higher on the search engine result page. इसको called SERP बोलते हैं, and it will be ranking typically things on the top most higher most data. तो ये आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आपके हर एक पेज में जो भी रिजल्ट आएगा आपका प्रोडक्ट आपका सर्विस टॉप में रहे, तो दैट यू हैव टू इंश्योर. एंड उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर आल्सो ऑल डू दैट. पहला पेज आएगा तो 1000 पेजेस कमर्शियली उसमें आ जाता है, ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट हो या और कोई अनाउंसमेंट हो करने के लिए आपको सुविधा हो. Next slide, please. सर मेरा बोलना है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ये यूट्यूब चैनल, तो मैं क्यूब बड़ी करके एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, और जब हैशटैग डालने जाता हूँ तो छोटा सा भी बात लिखता हूँ तो वो 5 हैशटैग का ऑप्शन देता है, तो इसका मतलब ये कौन सा हैशटैग ज्यादा लोग देख रहे हैं वो करना. और मैंने देखा मेरा वीडियो का व्यू बढ़ते जा रहा है उससे. तो हैशटैग लगाने के पहले कौन सा हैशटैग लगाने का छोटा सा भी टाइप किया तो वो उसमें से 4-5 जो फेमस हैशटैग होता है वो आता है. जैसे मैं अजय जैन करता हूँ तो एक पर्सन है अजय जैन सर, उसका हैशटैग बहुत कॉमन है, तो मैंने भी अभी अजय जैन सर लिखना चालू किया, तो जो भी उसको ढूंढता है मैं भी दिख जाता हूँ. अच्छा, ब्रॉडली स्पीकिंग जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं उसमें 4 or 5 aspects, 4 or 5 branches होते हैं. टॉप मोस्ट है कि प्रोफाइल ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन. अभी अभी जैन साहब ने अभी बताया कि उनका प्रोफाइल उसमें मैच होता है तो दैट विल कम राइट ऑन टॉप, एंड उसमें हाई क्वालिटी डेटा भरते जाएंगे तो आपका ये सर्च एनालिसिस जो है ना वो टॉप क्लास रहेगा, नहीं तो पुअर क्वालिटी सर्च रहेगा. और उसके बाद आता है पोस्टिंग. जो कोई भी आप पोस्ट करेंगे कि फलाना तारीख को फलाना रिजल्ट है, फलाना ये होने वाला है वगैरह वगैरह, दैट इज फॉर पोस्टिंग. एंड पोस्टिंग मस्ट बी एक्यूरेट, कंप्लीट, एक्टिव, एंड इट हैज टू हैव लिंक्स, एंड इट हैज टू हैव CTA. तो जो इसमें एक्शन के लिए जो है, एक्शन ओरिएंटेड जो एस्पेक्ट है वो CTA में आता है. और टॉप मोस्ट जो प्रोफाइल है, that will be, that is the most capturing of all the
एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, सो प्रोफाइल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टॉप में आएगा, टॉप में ही रहेगा, और उसको क्वालिटी अच्छा रखने के लिए आपको ही वो मेहनत करके कंटेंट रखना है ना. ऑल दिस विल डिपेंड ऑन कंटेंट. आपका कंटेंट अगर ठीक नहीं रहेगा तो अच्छी तरह से इंजन लगा के भी फायदा नहीं. इंजन घूमता रहेगा मगर गाड़ी नहीं जाएगी, ऐसे नहीं हो जाएगा. और उसके बाद एंगेजिंग आता है, यू से लाइक, यू से एनीथिंग एट ऑल, कॉमेंट, कोई कंप्लीट पूरा रिव्यू देता है, वो पोस्टिंग होता है और एंगेजिंग होता है. दैट हैज टू एंगेज विथ योर प्रोडक्ट और विथ योर सर्विस, तब आपका रिजल्ट अच्छा होता है. अगर एंगेजमेंट नहीं होगा तो आप कितना भी कमेंट करो, लाइक करो, वो पेज के साथ साथ आपका एंगेजमेंट तो नहीं रहेगा, तो उसका फायदा नहीं, कमर्शियली उसका वैल्यू नहीं रहता. एडवर्टाइजिंग, दिस इज आउट एंड आउट पैसा दे के एडवर्टाइजिंग. जब हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग आउट एंड आउट पैसा दे के, विच इज गुड, क्योंकि उसका डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट यू आर पुटिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्च यू रन, you can get very good results, but at a cost. But this cost will be more than compensated by the money you invest. And then you have measuring. How do you measure the impact of a search or a product or a service? So, uske liye aapko, you have to have analytics. You know, jo bhi data aata hai, it is highly sophisticated hai. Wo mere se bas ki baat nahi hai. Magar we broadly know that ये मेजर कर सकते हैं. एंड सेकेंड टू सेकेंड, मिनट टू मिनट आपको मेजरमेंट मिलता रहता है. एंड दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये एस्पेक्ट हमने अभी देखा, मगर दिस विल अगेन बी डायनामिक. यू कैन दिस विल हैव मोर देन 4 or 5 or 10 or 15 मीडिया मार्केटिंग फंडामेंटल्स आपको अप्लीकेबल रहेंगे, मगर उसको अच्छी तरह से अपनी तरफ झुकाना एंड देन कन्वर्टेड इन टू कॉमर्स. Any, you see, search is not a theoretical, you know, activity. It's a waste of time. If you are really searching and not doing anything, it's a waste. The call to action, jo bata na, CTA, call to action is important. Ab sirf search karte rahoge, action nahi hai, so you're wasting your time, you're wasting everybody's time. So that is very important. Isko sharpen karke, ekdam high quality global standard mein rakhna hai, taki aapka strike rate acha rahega. आप कुछ कहेंगे सर? सर फेसबुक में मैंने देखा है जितना लोग मेरा पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, उतना फेसबुक और लोगों को दिखाता है. हाँ करेक्ट करेक्ट. तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो लोग लाइक करें, जो लोग शेयर करें, जो लोग कमेंट करें. हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपके कमेंट डालिए, तो आप लिखते हैं तो लोग डालते हैं. करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ना ये भी देखा, कॉल टू एक्शन है. कॉल टू एक्शन हैज टू बी देयर. लोग हैशटैग भी जो बोलते हैं ना, वो भी रिलेटेड टू दैट. व्हाट डू यू डू विद इट? डाटा देख लिया, इससे आगे क्या करोगे और कैसे करोगे, क्या ढंग से करोगे, दैट विल डिसाइड योर बिजनेस अल्टीमेटली. लेट मी रिपीट, ऑल दिस इज फॉर बिजनेस, इज नॉट फॉर थियोरेटिकल नॉलेज. इट इज ऑल फॉर आउट एंड आउट बिजनेस एक्टिविटी. दैट्स व्हाई सीटीए बोलते हैं ना, वो एवरी सेकेंड ऑफ योर कंप्यूटर टाइम शुड बी रिलेटेड टू सीटी. जस्ट ब्राउजिंग इज अ वेस्ट, वो ध्यान में रखना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये हैशटैग आ गया, ये मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हैशटैग जो है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अ हैशटैग इज अ मेटा डेटा, मतलब एक ही डेटा को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करना, उसको मेटा डेटा बोलते हैं. एंड दैट इज प्रीफेस्ड बाय द हैश सिंबल जो आप देख रहे हैं. ऑन सोशल मीडिया हैशटैग्स आर यूज्ड ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग. माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्लॉग बोले तो 20 words माइक्रो होएगा, बड़ा ब्लॉग होए तो 10 pages 15 pages भी हो सकता है. मगर माइक्रो ब्लॉग, ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉग. वो माइक्रो ब्लॉग के अंदर आप जितना डालेंगे और उसमें हैशटैग करेंगे, तो आपको फटा करके जहाँ पे कॉन्टेक्ट होना है वो हो जाता है. सो दैट कनेक्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्विटर एंड टम्बलर एटसेट्रा. एंड अगेन देर आर चॉइसेस ऑफ इंजिंस विच विल डू दैट. Now this will enable cross referencing, user generated tagging. Now this tagging is made by not somebody else but the fellow who is using your website, using your search. So usi ke enabling karke cross referencing ke liye ye acha padta hai. And this is a nice short circuit, you know. We can have very good quality of highly personalized specific value based aapko data mil sakta hai. Next slide.
ये आ गया अपना बिजनेस। अभी मतलब की बात करो जो बोलते हैं ना, ये बिजनेस है ना, दिस इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर रिलेटिंग टू रिलेशनिंग विथ व्हाट एवर अ कस्टमर, एंड बाय डेफिनेशन वो कस्टमर बिजनेस दे रहा है आपको या देने के लिए सोच रहा है। अगर वो बिजनेस देगा या सोच रहा है, देन ही बिकम्स योर बॉस। तो यू से नो यस्टरडे कस्टमर इज किंग, क्लाइंट इज किंग। तो जो जिसको भी आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो आपका बॉस है। तो उसको अभी अच्छी तरह से मस्का वस्का लगा के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। उसमें समझो 5 भी कस्टमर्स हो, बट इफ ऑल दोस 5 कस्टमर्स आर मोर रेलेवेंट टू योर बिजनेस देन 500 कस्टमर्स हु आर फ्लोटिंग अराउंड। फ्लोटिंग अराउंड कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। तो उसको कस्टमर को पकड़ के फिक्स करके उसको रिलेशनशिप में लाना, दैट इज द थिंग। एंड आई हैव डन दिस इन माय फार्मा इंडस्ट्री फॉर एंटीबायोटिक्स। नॉट एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स आर देयर, एंड यू हैव टू मेक द कस्टमर सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइड लिटरली। भाव खाता है मगर धंधा भी देता है, बिजनेस भी देता है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो इस स्लाइड के अंदर है। डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना। यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। यू से माइन इज बेटर देन यू आर सपोजिंग यू आर सेलिंग प्रॉपर्टीज एंड यू से माइन इज बेटर देन लेजर। से क्या प्रूफ किधर है, डाटा बताओ, एनालाइज किया क्या, कितने लोगों ने लीजिए पापड़ खाया, कितने लोगों ने आपका पापड़ खाया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने एंगेज किया। ये हजारों स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर आ जाता है, बिकॉज यू आर सेलिंग पापड़, एंड द पापड़ इज व्हाट मैटर्स टू यू। समबडी एल्स इज सेलिंग कुछ सोप बेहतर रहेगा, कुछ सॉस बेहतर रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने को पापड़ से मतलब है। तो उसको एकदम फोकस्ड मार्केटिंग, आपको पर्सनलाइज मार्केटिंग हो सकता है। एंड दीस फेलोज आर इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जो ये सारी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोजिंग टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पापड़, विच मे साउंड सिली बट इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज 10 पीपल शुड से अरे इनका पापड़ अच्छा है, खा के देखो, एंड देन देयर स्टार्ट्स योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड देयर स्टार्ट योर सीटीए। उसका तगड़ा रिलेशनशिप बना के देन उसको आप जरिए नहीं छोड़ेंगे। आपको ऑफलाइन काम करना है। ऑफलाइन के अंदर आपको यू मे हैव टू टेक हिम ड्रिंक्स, यू कैन टेक हिम और कैन गिव हिम सम कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ फायदा मंद आपको कुछ मटेरियल दे सकता है, और पर्सनल कोई चीज है वो आप कर सकते हैं। वो सब CRM के अंदर आ जाए। और ये CRM का डाटा बेस इज सुपर सोफिस्टिकेटेड डाटा ऑफ वॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम जनरल डेटा एनालिटिक्स। तो CRM पे आपको एक दफा ब्लड रिलेशन आ गया तो छूटने का नहीं। CRM is easy to get or not so easy to get, but you have to maintain it. The same example of Papad. Today your customer like the Papad, tomorrow he doesn't like it. तो CRM में आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इसने क्या किया, ऐसा क्या हमने किया, कुछ अच्छा किया, बुरा किया, तो उसके पीछे बाबू try to mend ways. All these are very complicated psychology. Basically it is psychology. Customer का psychology समझ लो और उसको अच्छी तरह से pamper करो। Doesn't matter in business. कस्टमर इज किंग, तो आप सब करेंगे एंड यू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। तो सपोजिंग कल परसों आप दुकानदार से पूछेंगे तुम्हारा ब्रांड का पापड़ जो बोलेगा ब्रांड नहीं है, फिर आप बोलेंगे नहीं डजेंट मैटर आई विल वेट फॉर योर ब्रांड। देखो ये लॉयल्टी आ गया, यू वेट फॉर योर कस्टमर्स परचेसिंग पावर और व्हाटएवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉयल्टी बोले तो जब आपका अनुकूल सिचुएशन नहीं होगा तभी भी आप तो कस्टमर के साथ रिलेट करके एंगेज करके रहते हैं। एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजी। और कंज्यूमर साइकोलॉजी के ऊपर रिलेशन बहुत सारे आइटम्स लिखे जाते हैं, डिस्कस किया जाता है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनलाइज मार्केटिंग। पर्सनलाइज मार्केटिंग दैट फेलो विल हैव टू कम अराउंड एंड से इट डजंट मैटर, लेट इट टेक 2 2 वीक्स 2 मंथ्स, बट आई विल वेट फॉर योर प्रोडक्ट। उससे बेहतर क्या हो सकता है। That is an icing on the cake, and you are ruling the person. So CRM is an extremely powerful machine and concept, जो आपको बिजनेस में टॉप में रह गया। और CRM अच्छा जम गया तो आपका
सीईओ में आपका टॉप में रहेगा हमेशा। सीआरएम अच्छा है तो आपका नाम टॉप में रहेगा कंप्यूटर में, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस यू शुड नॉट लेट गो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांडिंग सिचुएशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ यू कम टू सर्टेन अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, नॉट टेरिबली मेजर फ्रॉम इंडिया, बट अभी ट्रेंड में बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई 67% ऑफ स्टूडेंट में डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, रिपोर्टेड दैट अ गेमिफाइड, देखिए गेमिफाइड कोर्स वाज मोर मोटिवेटिंग देन ट्रेडिशनल कोर्स। फॉर एग्जांपल लेट अस इवन गो बैक टू अवर पापड, यू लाइक द पापड, द फेलो लाइक्स द पापड, बट देन यू कन्वर्ट द होल इंटरेक्शन सेल्स कॉल टू व्हाट वी कॉल एज गेमिफिकेशन, वो गेम बना। तो इंडिया में तो आते हुए मैंने नहीं देखा, शायद आता भी होगा, पर इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। आपका पापड़ बेचने का जो है उसको एक गेम जैसा बना, गेमिफाइड कोर्स मिल गया, तो वो कस्टमर के मन के अंदर फिक्स रहता है। एनीथिंग दैट इज गेमिफाइड गेट्स फिक्स्ड इन द कस्टमर्स माइंड सेट। एंड ये उन्होंने जो किया, ये अमेरिका का डेटा है, इंडियन डेटा आई डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट। तो अमेरिका में तात्पर्य ये है कि आपके 67% ऑफ योर ओन कस्टमर बेस वॉन्ट्स थिंग्स टू बी मेंशन्ड इन अ गेमिफाइड मैनर, तो यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ व्हाट काइंड ऑफ गेम टू कंज्यूम, उसके लिए जगह है। नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी, यू विल सी देयर आर गेमिफिकेशन इज एडिंग गेम मैकेनिक्स इनटू नॉन गेम एनवायरनमेंट्स लाइक अ वेबसाइट, ऑनलाइन कम्युनिटी एक्सेट्रा। द गोल ऑफ गेमिफिकेशन इज टू एंगेज द कस्टमर्स, the employer, employees and partners to inspire collaborative, share and interact। ये इसको थोड़ा excite करने का, इसमें game बोले तो आपको लगेगा कि ये childish है, ये childish नहीं है। game related money is given out as a reward as part of your gamification। आप देखेंगे, supposing you go to some All India Surgeons Conference, वहाँ पे gamification होता है। इसका उदाहरण यह है कि supposing in your exhibition about 15-20 डॉक्टर्स there, और एक स्पर्धा लगा हुआ, वो स्पर्धा उनके मन में रहेगा और वो गेमिफाई करके वही के वही आप उनको कुछ टी शर्ट दे सकते हैं, कुछ कैमरा दे सकते हैं, ऐसा ऐसा करके गेम एंड रिवॉर्ड, गेम एंड रिवॉर्ड करके आपको सेल बढ़ाने का मौका मिलता है। एंड गेमिफिकेशन इज अस्यूमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस, इट विल कम इन इंडिया, डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, इफ योर प्रमोशनल बजट डजंट अलाउ then there will be no game. you have to think of some other game. Exactly. तो करते हैं लोग, अरे इनका game development and game execution इतना बड़ा subject है उधर, तो उधर भी लोग plain data देके थक जाता है। अभी देखो कितना भी अच्छा data दो, वो ऐसा numbers में देंगे टक 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 टक, वो bore हो जाता है। 10 मिनट में लोग बोला अरे बस करो यार कुछ और excitement बताओ। एक्साइटिंग बोला तो कोई आप कैटरीना कैफ का तो फोटो नहीं लगाएंगे, आप कुछ ऐसा लगेंगे कि भाई उससे आपका प्रोडक्ट कनेक्शन होता है, प्रोडक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू मार्केटिंग बाय द वे, इट इज आउट एंड आउट मार्केटिंग, देयर इज नो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च और एनीथिंग। यू क्रिएट अ मार्केटिंग गेम एंड यू एडमिनिस्टर इट एंड आउट ऑफ द फेवरेबल रिजल्ट्स दैट यू गेट देयर विल बी फर्दर जनरेशन ऑफ यू नो मोर गेम्स एंड मोर बिजनेस, यू नो ये बहुत जरूरी है समझना। नेक्स्ट स्लाइड, तो उसके लिए सिंबल्स वगैरह दिया जाता है, यूजर एंगेजमेंट होता है, रिवार्ड है, अचीवमेंट है, मोटिवेशन है, लर्निंग है, ये सब पार्ट ऑफ गेमिफिकेशन में आ गया है, आ चुका है, ऑलरेडी आ गया है। सो टुडे इफ यू वांट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, इफ यू आर सिंपली कैरिंग पावर पॉइंट फाइल्स एंड यू नो सम सच फ्लैट डेटा, पीपल वोंट गेट एक्साइटेड, उनको ये सब में लगाने का है। एंड दिस एज आई सेड हैज कम टू बी इन कॉन्फ्रेंसेस, अभी एग्जीबिशन है, देखो यहाँ पे इसी वक्त एक एग्जीबिशन चल रहा है गोरेगांव में, एंड एग्जीबिशन के अंदर ये गेम्स बहुत चलते हैं, यू नो देयर इज अ काउंटर दैट इज ओपन एंड देन देयर इज अ पेज वेयर यू रजिस्टर योरसेल्फ एंड गेट इनटू द गेम एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू मेक अ गेमिफाइड प्रॉफिट, यू नो वो ऑन द स्पॉट उसको आपको जी, ये तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो करेंसी है वो करेंसी ठीक है, मगर वो आपको कैश बेनिफिट मिलता है। और कॉन्फ्रेंसेस में तो देयर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस कैन बी स्मॉल प्लेस लाइक यू नो स्मॉल स्मॉल नॉट एग्जैक्टली स्मॉल गोवा और त्रिचुरापल्ली और व्हाटएवर, और वहां तो
return on investment in gamification is tremendous, which is good. And we'll conclude with a few slides. All this has now come to be in mobile. Now, all these days, up until, say, 5 or 10 years ago, most of these softwares, most of these algorithms, most of these whatever computer analysis that you're doing was on, you know, bigger computers, on desktop computers. Now, everything, each and everything is coming down to mobile. The companies are developing mobile apps more than they would, you know, develop any other type of app. And they don't mind. They don't mind the time and the cost because the impact is tremendous. So mobile may first aaye, fir aapka business padega. And mobile leke ghum rahe ho, you can on the spot promote your product. On desktop mein, you can't do it on the spot. You can taxi mein baithe baithe aap mobile pe business kar sakte ho, kar rahe ho. Iska aur bhi achhi tarah se polish karke iska use karna, wo CRM mein aayega. Next slide, please. And this is now content, a quick word on content. Aap games khelte jayenge, nakhra karte jayenge. What about the content of promotion? Content of promotion is equally important. Bhai bhul nahi jana ki bhai content ko ignore kare aur baki sab games khelte rahe, aisa nahi ho payega. Content ko, not just content, usko evergreen rakhna. Matlab aapka content fresh rehta hai. Aap aise companies mein hote hain 10 saal purane wala promotional material aaj wo shopper ko dikha raha hai. डॉक्टर से क्या यार तुम तो इतना चुना क्या लेके आए हो आपका जो एनी विजुअल एड वगैरह होगा इट इज सो वर्न आउट गो गेट सम बेटर स्टाफ वगैरह वगैरह तो एवरग्रीनिंग ऑफ कंटेंट आपको टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है ना मार्केटिंग में टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग एंड प्रॉपर्ली ऑफ कोर्स यू कांट टॉक इन नॉनसेंस तो वहां पे आपको एवरग्रीन कांसेप्ट इज वेरी यूजफुल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज this is the last one. Of whatever kind of data you are generating or analyzing or what, इसमें artificial intelligence use करके, machine learning का driving ले करके आपको business चलाना है. Now almost anybody and everybody is now using artificial intelligence, and उसके लिए courses are available. You go to railway station or whatever, you know, they are telling you फलाना केस लो बोलियो. And younger graduates are all attracted towards that, you know, because it's not meant for oldies like me. The oldies can't get into that. Kitna bhi aap skill karo, oldies ka limitations hai. The oldies should be made to use more of the standard types of promotional approach, and where the oldies are given better respect. So, in short, itna aisa nahi hai ki wo aap oldies ko bhul hi jao. You have to have a strike a correct balance between the human element in oldies promotion and the not so old kind of emotional angle in the process. This may come to aayega. So this is only increasing. Artificial intelligence powered ML driven software, you know, it's become commonplace. And the important thing is it automatically do many of the things that your platforms are doing. So automatically jo hai usko dhyan mein rakhna bahut zaruri hai. So I say various aspects. There are countless other aspects, you know, jo जैसा आप और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है ये सब मशीन टूल्स बोलो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो तो डिजिटल मार्केटिंग का अंदर आ जाता है एंड द मोर यू यूज इट द बेटर इट इज थैंक यू जैन साहब थैंक यू सो मच सर इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि फेसबुक में गूगल में हर जगह पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और डाटा अवेलेबल है वो ये हमको बताता है कि लोग क्या देख रहे हैं और लोग क्या देखने के लिए क्या पूछ रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर हम हमारे डाटा को अडॉप्ट करेंगे और हम इसे हैशटैग लगाएंगे तो सर्च में हमारा कंटेंट ज्यादा दिखेगा और ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि जब तक दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं तो घड़ी घड़ी दिखने के लिए आपको ये सब यूज करना है और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो थैंक यू डॉक्टर And we yes, will again come with more video on digital media marketing. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.